आप यहाँ सबके सामने बैठ के तमाशा देख रहे, इल्जाम लगा रहे ये लोग मुझ पे, कुछ तो बोले। खुद ही है खुद को मिटाया। मैं डाल देती हूँ। वैसे अफान भाई आप तो बहुत सैड होंगे ना, बिना भाभी के आप ट्रैवल कर रहे हैं। कितनी आपने प्लानिंग की, कितनी आपकी चाहत थी कि आप अमरीन भाभी के साथ जाएं, लेकिन इन द एंड आपको अकेले जाना पड़ रहा है। इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई, जस्ट रिलैक्स। और भाभी, आपको भाई तक जल्द से जल्द पहुंचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप परेशान मत हो। अच्छा, आपने खिदमत खल्क भी स्टार्ट कर दी, मुझे तो पता ही नहीं चला। वैसे भाई, मेरा ख्याल है हमें घर के अंदर भी कैमरास लगा देने चाहिए, ताकि पता तो चले कि कौन किसके रूम में जा रहा है और कौन किसकी चीज गायब कर रहा है। क्या मतलब, ये क्या कह रही हो? हरीम, हरीम खामोशी से नाश्ता करो। सॉरी अम्मी, आप खामोश रह सकती हैं, लेकिन मैं मजीद चुप नहीं रह सकती। हरीम, साफ साफ बात करो, मसला क्या है? ये तो आप अपनी बीवी से पूछें कि इन्हें अमरीन भाभी से क्या प्रॉब्लम है, क्यों इन्होंने अमरीन भाभी का पासपोर्ट इनके कमरे से गायब किया। What? ये क्या बात कर रही हो हरीम? तुम इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही हो मुझ पे। भाई, ये इल्जाम नहीं है, मैं सच कह रही हूँ। इन्होंने ना ही सिर्फ उनका पासपोर्ट उनके कमरे से चुराया, बल्कि रात में उसे जला भी दिया। और अमरीन भाभी ने ये अपनी आंखों से देखा। झूठ है ये, इल्जाम लगा रही है मुझ पे। ये जलती है मुझसे क्योंकि खाला मुझसे ज्यादा प्यार करती हैं। लेकिन शाजमा, तुमने तो मेरे प्यार का नजायज से फायदा उठाया। मैंने आज तक तुम्हें इसलिए कुछ नहीं कहा क्योंकि मैं घर का माहौल खराब नहीं करना चाहती थी। इस बार तो तुमने हद ही कर दी। हाला, आप भी एक पराई लड़की की बात पे यकीन कर रही हैं? अपनी सगी भांजी पे भरोसा नहीं है आपको? अफसोस भी तो इसी बात का है बेटा कि तुमने मेरी अपनी होकर मेरा मान मेरा भरोसा तोड़ा है। हाला, मैंने कहा ना, मैंने कुछ नहीं किया। और आप यहाँ सबके सामने बैठ के तमाशा देख रहे, इल्जाम लगा रहे ये लोग मुझ पे, कुछ तो बोले। हरीम के पास क्या सबूत है कि मैंने चोरी की? तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हरीम झूठ कह रही? अच्छा, जिसने इस बात पे यकीन नहीं करना वो ना करे। मैं किसी को कोई सफाई नहीं दूंगी। जिसने जो समझ लिया है वो समझे।